तो मैं कल अपडेट एक दिया था आप लोगों को कि यस जो साइज सुपर साइक्लोन आ रहा है उसके बारे में। तो वो उसका जो डायरेक्शन था थोड़ा सा चेंज होके अभी बालाशोर और भद्रक, ये कुछ कुछ एरिया वेस्ट बंगाल का जो कि दीघा एरिया उसी पार्ट में वो लैंडफॉल करेगा। और अभी काफी मतलब हैवी रेनफॉल और विंड भी शुरू हो गया है। कल उसका लैंडफॉल होने का मतलब प्रेडिक्शन किया गया है, कल 11-12 बजे तक लैंडफॉल होगा। तो मैं आपको दिखा दूं अभी कहाँ पे लैंडफॉल होगा, आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। अभी देखिए ये windy.com का मैं दिखा रहा हूँ, जो आप लोग देख पा रहे हैं कि साइक्लोन ऑलरेडी फॉर्म हो गया। और मैं लास्ट वीडियो में जो दिखाया था वो फॉर्म नहीं हुआ था, तभी थोड़ा थोड़ा फॉर्म हुआ था। अभी ये देखिए और थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए, तो साइक्लोन फॉर्म हो गया है। और मैं उसको ये साइक्लोन का मिडिल पोर्शन जो है साइक्लोन का आई उसको बोलते हैं। ये मिडिल पोर्शन है। तो ये देखिए बालेश्वर भद्रक पारादीप ये रीजन पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये रीजन पे लैंडफॉल होगा जो देखिए। और थोड़ा सा मैं प्ले कर लेता हूँ उसको, थोड़ा आगे दे देते हैं। ये देखिए ये 26 सुबह और बालाशोर जलेश्वर ये दीघा ये रीजन पे वो हिट करेगा, हिट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और थोड़ा आगे दे देते हैं, अभी ये देख रहे हैं और थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं। ये देखिए सोरो बालाशोर ये रीजन पे वो हिट कर रहा है, चांदवाली भद्रक चांदवाली सौरव बालाशोर और दीघा में भी कुछ कुछ इफेक्ट दिखेगा। तो ये जगह पे उसका लैंडफॉल होने का चांसेस है। और ये देखिए कल लगभग सुबह 8-9 बजे से 10-11 बजे तक लैंडफॉल हो जाएगा ऐसे बोला जा रहा है। तो कहाँ से क्रॉस करेगा ये भी थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए वो बालेश्वर सौरव होके ये मतलब उसका मूवमेंट इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो अभी तक तो ये मतलब बताया जा रहा है, उधर से थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि लास्ट टाइम भी जो अम्फान आया था वो थोड़ा इधर उधर हो गया था। प्रेडिक्शन किया गया था कि वो लैंडफॉल जो वो भी बालेश्वर दीघा के होगा, लेकिन थोड़ा सा आगे वो राइट की तरफ चला गया था। तो इसीलिए आप windy.com से खुद भी देख सकते हैं कि डायरेक्शन क्या रहेगा, कितना दूर पे है, कहाँ पे है, कब स्ट्राइक करेगा, कब लैंडफॉल होगा, ये सब चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, फिर से अपडेट दूंगा आपको। और उधर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें एक दो फ्रेंड को भी बोला हूँ उधर है, वो लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करे मतलब ग्राउंड से वीडियो, उन लोगों के पास जो कलेक्शन होगा मैं आपको जरूर अपलोड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वो अपडेट दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।